कानूनी जंक्शन। नमस्कार, कानूनी जंक्शन में राहुल इस वक्त उपस्थित हूँ जाले विधानसभा में, जहाँ से महेश कुमार झा प्रत्याशी है। आइए जानते हैं उनका परिचय। सर, अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम महेश कुमार झा है और मैं जाले विधानसभा से प्रत्याशी चुना गया हूँ। जो 7 तारीख को चुनाव होगा और मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी 6 है। राजनीति कब से कर रहे हैं सर? राजनीति नहीं, मैंने विकास नीति किया है लगभग 20 साल से और समाज सेवा में रहा है। राजनीति में मैं पीछे उपाध्यक्ष भी था, लेकिन जो जनता के त्रस्तता को देखकर मैं इस बार पहली बार चुनाव में आया हूँ। चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। क्या उद्देश्य लेकर आप मैदान में उतरे हैं? डेवलपमेंट का उद्देश्य लेकर के आया हूँ। जो मेरा क्षेत्र हर वो सुविधा से वंचित है जो जनताओं की सुविधा मिलना चाहिए, वो उद्देश्य है। आप जब जनताओं के बीच जाते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या हुजूम चलती है आपके साथ? जनता का जन सैलाब बन गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता खरीदने की जो कोशिश कर रही है उसको ध्वस्त करने के लिए जनता इस बार इंतजार कर रही है। जनता पैसा ले रही है क्योंकि लूट कर जो राजनीतिक पार्टियों ले गया है, तो मैं खुद भी बोलता हूँ कि जो पार्टी पैसा लेके आती है पैसा लो, लेकिन वोट के समय में वोट मुझे देना, और यही काम हो रहा है। राजनीतिक पार्टी भी पैसा बांट रहा है, वोट जनता भी ले रही है। आप इससे पहले किस पार्टी से थे? मैं 2013 से लेकर 17 तक भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन इसके कुकर्मों की वजह से मैं डेवलपमेंट क्षेत्र में किया नहीं, सिर्फ अपना डेवलपमेंट करता रहा, पार्टी अपनी आगे बढ़ती रही, जनता पीछे गिरता रहा। उन सभी को देखते हुए मैं 2017 में इस्तीफा दे दिया। जाले विधानसभा क्षेत्र में ये जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में किसी भी जनता को इसका लाभ नहीं मिला था, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये राजनेता लोग राष्ट्रीय खजाना को अपनी बपोती समझती है, जिसको मन करता उसको बांटती है, जिसको मन नहीं करता उसको नहीं बांटती है, और एहसान जताने के लिए उसको छुपा छुपा कर रखती है। जनता का जनाक्रोश बढ़ता है तो उसको देती है ऐसे जैसे वो अपने प्रॉपर्टी बेचकर दे रहा हो। इस प्रकार से जनता को त्रस्त करके राष्ट्रीय खजाना से पैसा देती है, लेकिन 10% जनता को इस बार में राहत मात्र मिला, 90% को अभी भी नहीं मिला। यहाँ की शिक्षा स्तर तो गिरी नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा गिरी नहीं है, सरकार ने गिराया है, और सरकार को गिराने का मंशा यही है कि जनता जब वोट करेगी तो मेरे आज औलाद अनपढ़ नेता बनता जाएगा, और जनता सवाल नहीं पूछेगी, इसीलिए शिक्षा का स्तर गिराता जा रहा है। और स्वास्थ्य के? स्वास्थ्य तो इसके चंदा बाबू कंपनियों से बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बना करके प्राइवेटाइजेशन कर लिया है, सरकारी को ध्वस्त कर प्राइवेट में कमाने के लिए और चंदा लेने के लिए अपने आकाओं के हाथ में ये सारे स्वास्थ्य व्यवस्था बेचती जा रही है और सरकारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी जा रही है। आप जाले विधानसभा के युवाओं को क्या स्वस्थ कराना चाहेंगे? मैं जाले विधानसभा के युवा का स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग जिताएं। हम इस जाले विधानसभा के अंदर में 5 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाढ़ का निदान मैं करके दूंगा, ये मेरा दावा है। मैं संकल्पित हूँ और इसी संकल्प के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। बाढ़ की समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे? बाढ़ की समस्या के लिए एक्सपर्ट टीम का गठन होगा, वह टीम डैम पर में काम करेगा और डैम पर काम कर DPR बनाएगा, DPR रिपोर्ट लेकर भारत सरकार से इसके साथ बातचीत किया जाएगा, क्योंकि ये जो समस्या है ये राज्य की नहीं, इंटरनेशनल समस्या, क्योंकि नेपाल सीमा से यह पानी आता है। उसके लिए DPR को रिपोर्टिंग करके केंद्र सरकार को बताया जाएगा, काम नहीं करेगा तो 3,25,000 जनता जो हमारे क्षेत्र में मुझे चुनेगी उसके साथ मिथिलांचल की हर एक जनता को मैं खड़ा करके यहाँ पर मैं उग्र आंदोलन करूँगा। राष्ट्र में कहीं पर मैं किसी को नहीं चलने दूंगा, मेरा विकास नहीं तो देश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक मेरा यह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। आप EVM से वोटिंग चाहते हैं या फिर ये गवर्नमेंट जो भी व्यवस्थाएं कर रही है मैं उसके ऊपर सवाल नहीं करता, जैसे भी वो जनता जान चुकी है वो EVM से कराए या मशीन से कराए या हाथ से कराए कि पैर से कराए, वो डिपार्टमेंट का काम है। जैसे भी कराएगी जनता इसको उखाड़ कर इस सत्ता को भेज देगी, या कि विधायक को भेजने के लिए तत्पर हो चुका है। विधानसभा के मतदाताओं को क्या आह्वान करना चाहिए? मैं जाले विधानसभा के
सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर किसी पार्टियों ने आपके विकास का काम, आपके बच्चों के विकास का काम इन 74 वर्षों में अभी तक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बाढ़ पर या सुरक्षा पर काम किया है तो आप उसको जरूर वोट करें। अगर यह काम आपका नहीं किया है अभी तक में तो मुझे वोट करें। मैं 5 साल में 74 वर्षों का जो हिसाब किताब है और जो डेवलपमेंट है वह मैं करके आपको 5 साल के अंदर में दूंगा। और दूसरी बात एक और है, मैं जाले विधानसभा के सभी अपने मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां आज जब आप चुनाव में आती है और आज जब ये चुनाव में आ चुकी है कि या जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद की बात करती है, तो आप लोग अन्य नेताओं से पूछें कि क्या तुम बेटा की शादी करने के लिए आ रहे हो या बेटी की शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हो जो तुम जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद की बात करते हो। राजनीतिक पार्टी कोई भी विकास की बात करती है, जातिवाद की नहीं। अगर जातिवाद की बात करती है तो समझ लें वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही असली वही है जो हमें मुद्दों से भटकाकर वो अपने विकास के लिए, अपने लिए और अपने सत्ता के लिए बात करती, जनता के विकास की बात नहीं करते। राष्ट्रद्रोही वही है, देशद्रोही है। इसको खदेड़ने का समय आ गया है और जनता खदेड़ करके इसको भगाए। ऐसे देशद्रोही को, राष्ट्रद्रोही को, उन्मादी को जो हमारी विकास की बात नहीं करके जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद में समाज को लड़ा रहा है, इसको खार कर फेंकने के लिए डंडे और दल बल के साथ खदेड़ना चालू करें, यही मैं आह्वान करता हूँ। मतलब आपका कहना है कि 74 साल बनाम 5 साल, 74 साल 5 साल नहीं, 74 बनाम 3 साल। 2 साल में तो आपको काम देना मैं चालू करूंगा, 3 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा। 74 साल बनाम 3 साल, 74 बनाम 3, 3 में आपको काम देखना चालू होगा, 5 में पूर्ण कर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वक्त तुम्हारी बात हो रही थी जाले विधानसभा में, देखते रहें कानूनी जांच।